देखिए फिर मैं क्या कह रही है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, कुल मिला के फिर मैं की शुरुआत हो रही है दो त्रिभुजों से, और दूसरी बात उसने कही है कि उसमें संगत कोण कैसे है, यहाँ से उसने शुरुआत की है, तो हम यही पर पता लिखते हैं बात, यदि दो त्रिभुजों में फटाफट दो त्रिभुज मिला संगत कोण बराबर हो, इसका मतलब उनके आकार अलग अलग हो सकते हैं, एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है, जब इसने ये नहीं बताया कौन सा किसके संगत है, अब आप राजा हो, अब आप जिसे चाहे उसको उसके संगत बना दो, हम कह रहे हैं पी जो ए जो कोण है वो पी के संगत है, कोण बी कोण पी के संगत है, ये संगतता दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है, सिंगल वाला सिंगल के संगत, डबल वाला डबल डबल के, और ट्रिपल वाला ट्रिपल, क्या ज्ञात है उसे लिख दीजिए, आपको ज्ञात है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर के संगत कोण कैसे है, जब हमने त्रिभुज की समरूपता की परिभाषा आपको लिखवाई थी तो ये लिखवाया था कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो। एक बात तो इसने हमें बता दी कि संगत कोण बराबर है, अब कौन सी बात रह गई बताने से, वो हमें यहाँ से खुद निकालना पड़ेगा, अगर निकल आया ठीक है तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। चलिए बात पहले आगे पढ़ते हैं, फिर यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो के बाद हमने बताया था जो सिद्ध करना है, इतनी इंफॉर्मेशन से क्या सिद्ध करना है आपको, अगर आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है तो आपको सिद्ध करना है तो उनकी संगत भुजाएं ए की ही अनुपात में होती है, तो ए के सामने कौन सी भुजाएं बी सी, पी के सामने कौन है क्यू आर, बराबर इस कोण के सामने ए सी, और इस कोण के आर बी आर, बराबर बी सी बटा क्यू आर। अगर गणित में ये शब्द आता है कि संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो एक त्रिभुज की भुजाएं ऊपर आएंगी और दूसरे त्रिभुज की भुजाएं हर में एक की अंश में आएंगी और एक की हर में, और जो जिसके संगत है वो उसके हर में आएगा, ए सी अंश में तो ए सी के हर में को आएगी जो ए सी के संगत है, ये वाला सिंगल डबल के संगत डबल के सामने वाली, और ट्रिपल के संगत ट्रिपल के भुजाओं के संगतता के लिए हम ये निशान प्रयोग करते हैं, कोण की संगतता के लिए समझ में आ गई बात, संगतता निकालने के लिए ये कोण इसके बराबर है इसलिए इसके सामने वाली भुजा इसके सामने वाली भुजा के संगत है, आप हर क्वेश्चन में यही फंडा अपनाए, जो संगतता आपने सिंगल वाला लिया है उसके सामने सिंगल निशान लगा लो, साफ साफ पता लग रहा है ये इसके संगत है, यानी बी सी के बटे में क्या आएगा कोई दिक्कत इसमें ना, तक समझ में आ रहा है। तथा और क्या बात सिद्ध करनी है, पहली बात तो ये सिद्ध करनी सर बी सी क्यू आर डबल बराबर कौन है, और क्या बात सिद्ध करनी है, और इसलिए क्योंकि कोण बराबर थे संगत और भुजाओं का अनुपात उन्हें सिद्ध करते, और दो दिन वो समरूप हो जाते हैं तुरंत अगर उनके संगत कोण बराबर हो तथा संगत और दोनों स्थिति हमारे पास आ गए तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ये बात हमें सिद्ध करनी, और ये वाली बात को हमें याद करनी है, सिद्ध करना हमें समझ में आए चाहे ना, कि अगर दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है तो क्या रिजल्ट निकलता है, उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हम लिख सकते हैं जरूरत के अनुसार, और दोनों त्रिभुजों को क्या कह सकते हैं समरूप, बात समझ में आ गई, अरे क्लियर हो गया बिल्कुल। अब ये फिर मैं जो सिद्ध करवा रहा हूँ ये चाहे आपको समझ में आए चाहे नहीं, आपको ये वाली बात याद रखनी कि अगर आपको दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर दिए हैं तो उनकी भुजाओं के अनुपात बराबर, यानी भुजाएं समानुपाती होंगी और साथ साथ दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं समरूप हो जाते हैं, इसका प्रयोग हम सवालों में करेंगे, कुछ ऐसी चीजें होती दुनिया में सिद्ध नहीं होती उन्हें कहते हैं अभिगृहित, ठीक, कुछ ऐसी चीज है जिनका अभिगृहित को प्रयोग करके हम सिद्ध करते हैं उन्हें कहते हैं प्रमेय, जैसे कि ये, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सवाल होते हैं जिनमें अभिगृहित का भी प्रयोग होता है प्रमेय का भी,
बात। तो अभिगृहित क्या है, दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और उनके संगत कोण बराबर होगा, ये हमारा अभिगृहित है। ठीक है, अब इसका प्रयोग हम कर रहे हैं इस प्रमेय को सिद्ध करने में कि अगर खाली हमें कोण कोण सब बराबर दिए हैं तब क्या होगा, समरूप होता है तो दोनों चीजें निकल के आती हैं, कोण भी बराबर है संगत और भुजाओं का अनुपात भी बराबर है, लेकिन खाली अगर कोणों को बराबर दे दिया तब क्या त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। तो उन्होंने इसको एक प्रमेय बना के कि आपको दोनों चीजों की आवश्यकता नहीं है, खाली अगर कोण भी बराबर है संगत तो भी दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं समरूप। तो ये वो जो अभिगृहित बड़ा था उसका छोटा रूप है प्रमेय, इसका प्रयोग होगा सवालों में। ठीक है, यूक्लिड ने करी थी इसकी शुरुआत 465 सवालों से सिद्ध किए अभिगृहितों को और प्रमेयों को प्रयोग करके जो हम आज भी पढ़ रहे हैं अपनी किताब एलिमेंट्स में, जो 300 ईसा वर्ष पूर्व उसने लिखी थी, तब से ज्यामिति में बहुत बड़ा कोई चेंज आया नहीं है अभी तक। चलिए उत्पत्ति, अब तो और मुश्किल हो गया, पहले तो खाली समय में कुछ सोच भी रहता था, अब तो फेसबुक व्हाट्सएप पर लगे रहते। चलिए अब करनी पड़ेगी थोड़ी सी रचना, ऐसे तो सिद्ध होगा नहीं। ठीक है, हम क्या करते हैं, भुजा त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी पर बिंदु डी तथा भुजा ए सी पर बिंदु ई लिया, यहां और इस प्रकार लिया है या इस प्रकार लिया कि इस प्रकार लिया कि ए डी तो बराबर हो जाए पी क्यू के और ए ई बराबर हो जाए पी आर। अभी समझाते हैं, यहां पर एक बिंदु हमने लिया डी और यहां पर एक बिंदु लिया हमने ई, और किस प्रकार का बिंदु लिया कि ए डी बराबर हो जाए किसके, और ए ई बराबर हो जाए किसके। इस प्रकार क्योंकि एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, ले तो सकते हैं ना, तथा DE भी भुजा को हमने किया, कौन है डी की भुजा की, थोड़ा सवाल बदल जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखते हैं त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या चीजें हमें मिल रही है। भाई ए डी बराबर है पी क्यू, ये तो रचना किया था, कोण ए बराबर है कोण बी, ये तो भाई इसने संगत कोण आपस में बराबर है, पी के बराबर है बी, क्यू के बराबर है सी, आर लिख दो यहाँ पर, कोण ए बराबर कोण बी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण। ठीक है, उसके अलावा ये जो ए ई है ये भी तो बराबर होगा पी आर के, ये कोण का निशान है तो भी एल बना दो, ठीक। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम, ये क्या है, ये भी हमारे किससे है, रचना से। तो भुजा कोण भुजा को प्रमेय होती है क्या, सर्वांग समता की प्रमेय होती है, यदि दो त्रिभुजों में एक भुजा एक दूसरी भुजा के बराबर है, यानी दो भुजाएं बराबर है जो कोण बना रही है और साथ साथ वो कोण भी बराबर है जो दो भुजाओं के बीच बन रहा है, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, त्रिभुज ए बी सी जो है ये है सर्वांग समता का निशान और ये होता है समरूपता का निशान, ये मैंने बताया था, ये सर्वांग सम हो जाएगा किसके, कौन से सर्वांग समता से, एस ए एस उसके सारे संगत भाग आपस में कैसे होते हैं, इसका मतलब ये वाला जो कोण है ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाए, इस पर डबल निशान लगा है, डबल लगा देता हूँ, ये कोण इसके बराबर आ गया, कोण ए डी ई बराबर हो जाए
खुशी बताओ किस खुशी में corresponding part of convent language इतना ही काफी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं ठीक इनको सीबीसीडी नहीं यार तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं ये वाले लाइन पूरी यहां पर लिख दीजिए अब जरा देखना यहां तक तो पहुंच ही गए ये कोण डी किसके बराबर था क्यू किसके बराबर दिया था डी के क्योंकि कोण पी क्यू आर बराबर दिया था हमें कोण ए बी सी के ये तो हमें ज्ञात है यहाँ तो पता लग गया कि क्या पता लगा कि कोण ए डी बी बराबर हो जाएगा कोण ए बी सी के ठीक है चाहे ऐसा कह दो इसे समीकरण एक कह दो और इसे समीकरण दो तो कह दो समीकरण एक और दो की तुलना जिसको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है अब तो ठीक है यस सर इसे समझा पाए ठीक है तो ये दोनों कोण कैसे होगा आपस में बराबर और अगर दो भुजाएं हैं रेखाएं हैं एक तिर्यक रेखा है और संगत कोण बराबर हो जाए दो रेखाएं और तिर्यक रेखा है और संगत कोण बराबर हो जाए तो ये दोनों भुजाएं कैसे होती है ये हमने फिल्म में पढ़ी थी समझे लोगे पिछली वाली तो ये दो भुजाएं हैं ये एक संगत रेखा तिर्यक रेखा है हम देख रहे हैं संगत कोण कैसे हैं बराबर ये दोनों भुजाएं कैसे हैं समांतर यहां तुरंत मुझे मिलेगा कि भाई डी ई भुजा जो है वो समांतर है किसके बीसी के बीसी के हां सी के बीसी यदि तू लिखने से पहले सी बोल पढ़ यदि संगत कोण बराबर है वो तो भुजाएं कैसी होती हैं समांतर कोई दिक्कत अब यहाँ पर हमारे हाईस्कूल की प्रमेय लग जाएगी एक त्रिभुज में एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर तो वो अन्य दो भुजाओं को मुझे लिखने का इतना समय नहीं है तो मैं बोल देता हूँ इस बात को आप लोगों के पास समय होगा आप खेल फिल्म में लेगा खेल फिल्म में कथन लिखो लिखते लिखते याद हो जाए ठीक है अब एडी किसके बराबर था पीक्यू के जगह पीक्यू लिखते हैं डीबी तो डीबी रहा और ए किसके बराबर था पी आर के नहीं बात नहीं बात नहीं अभी इसको कर लो उल्टा क्या करें उल्टा एडी की जरूरत है क्या हमें एडी की जरूरत नहीं हमें किसकी जरूरत है एबी बटा पी क्यों लेके आना है तो पहले इसमें एबी तो आए और एबी जो आएगा वो एडी किसके बराबर है पी क्यू मुझे किसकी जरूरत नहीं है तो जिसकी जरूरत है उसे अंश में रखते हैं मैंने बताया तभी तो आंसर लेके वो गायब होगा उल्टा कर दो ये हो जाएगा जो निशान में इंप्लाइज दैट का लगाता हूं ये इंप्लाइज दैट ये कहता है इंप्लाइज दैट ये इस तरीके इंप्लाइज दैट यानी किससे ये आया अब इसमें इसमें लिखेंगे अंश व हर को परिवर्तित करने पर अगर लिखते रहेंगे सवाल कब करेंगे तो ये इंप्लाइज दैट सब चीजें अपने अंदर समाहित करता है इससे ये आया हम समझ जाएंगे कि क्या क्या अब दोनों तरफ एक जोड़ लो बी बी बटा ए डी सी सी बटा ए डी दोनों को ए डी और होने पर जोड़ लो तो अब इसमें ले लो एलसीएम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई एलसीएम इसका
एडी एलसीएम लेंगे तो कितना हुआ डीबी प्लस एडी, और यहाँ एडी एलसीएम लेंगे तो कितना हुआ ईसी प्लस एडी, ईसी प्लस एडी। तो ये डीबी प्लस एडी कितना हुआ डीबी प्लस, ये है चीज यहाँ बना देता हूँ एबी एबी बटा एडी एबी ए बी सी, ये था डी और ये था ई, और दूसरा चीज की भी है पी यू आर, ठीक है आ रहा है ये तो तुरंत चलो। तो ए डी प्लस डी बी कितना हो जाएगा ए बी ए बी बटा ए बी, और ए सी प्लस ए ई जुड़ गया कितना हो जाएगा ए सी बटा ए बी। अब ये बताओ AD किसके बराबर है BQ के, ये तो हमने रचना की थी ठीक, और AE किसके बराबर है BR, ये है क्योंकि AD बराबर था BQ के और AE बराबर था BR। क्या सिद्ध हो गया आप देखो ध्यान से, क्या सिद्ध हुआ है, सिद्ध हो गया कि भाई जो त्रिभुज हैं उन त्रिभुज की दो AB बटा PQ बराबर AC बटा PR, कब हुआ जब मैंने रचना इन दो AB और BC AC पर दी, अगर मैं रचना AC और BC पे कर दूं पर इस पर दोनों पर बिंदु लिए ना मैंने इसके बराबर, तो AC और AB और AC का अनुपात PQ और PR का अनुपात के बराबर है, और अगर मैं बिंदु इस पर और इस पर लूंगा और रचना इसके बराबर करूंगा तो मेरे पास इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाएगा। तो इसी प्रकार लिख देते हैं, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, क्या सिद्ध कर सकते हैं भाई, हम रचना बदल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एसी बटे क्यू आर बराबर कितना आएगा, नहीं एसी बटे पी आर, AC बटे PR आ जाएगा BC बटे QR। रचना बदल के अब सारा थोड़ी कैसे दिखाएंगे, बता दिया हमने जैसे हमने दो बिंदु उसमें लिए तो जिन भुजाओं पर बिंदु लिए तो उनके अनुपात दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात के बराबर आ गए, समानुपाती हो गए। ऐसे ही अगर हम इन दो भुजाओं पर लेंगे तो इसकी भुजाओं का अनुपात इसकी भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आप देखो ये और ये इसमें AC बटे PR आ रहा है दोनों, तो क्या मतलब हुआ इससे, यहाँ से सिद्ध हो गया AD बटे PQ बराबर था किसके AC बटे PR, और AC बटे PR किसके बराबर है BC बटे QR। ये तो दो त्रिभुजों की भुजाओं के जो अनुपात हैं वो बराबर आ गए, और कोण पहले से बराबर थे, कोण तो ज्ञात था, और इससे हम कौन सा त्रिभुज पे पहुंच गए संगत भुजाओं के अनुपात बराबर है, इस पर पहुंच गए, और जब दोनों चीजें पता लग गई तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए समरूप, इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया क्या बोल बी आर के, ये हमने सिद्ध किया। ये सब बातें इंप्लाई करके अंदर से प्रमाणित हो जाएंगी कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाओं के क्या हो बेटा सिद्ध करने का है।